हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। दिस इज दीप एम गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज और देखेंगे आज क्रूड ऑयल क्या होने वाला है उसका ऊपर भी हम रिसर्च करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल, तो मैंने ये 1 आवर में लिया, 1 आवर सॉरी 1 आवर चार्ट लिया मैंने। तो 1 आवर में आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल आज डेली पिवट पॉइंट 3586, फर्स्ट रेजिस्टेंट 3703, सेकंड रेजिस्टेंट 3823 एंड थर्ड रेजिस्टेंट 3881 एंड फर्स्ट सपोर्ट 3525, सेकंड सपोर्ट 3408 एंड सेकंड थर्ड 3347। तो आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल चार्ट, सो क्रूड ऑयल कंटिन्यूअस तो नीचे आ रहा था। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, तो वीकली चार्ट में राइट, तो आप देख सकते हैं वीकली चार्ट, अगर आपने मेरा दूसरा वीडियो देखा होगा तो मैंने एक लाइन दिया था यहाँ पे जो ये 200 मूविंग एवरेज राइट, ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज ओके, ये एसएमए है, ईएमए नहीं है, एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज ओके, ये सिंपल 200 सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे एक सपोर्टिंग जोन बना के रखा हुआ था, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप वीकली में, ठीक है ये आप देख सकते हैं वीकली में एक सपोर्टिंग जोन बनाया, तो इसलिए मैंने एक हॉराइजेंटल ट्रेंड लाइन दिया हुआ था। तो इसमें हॉराइजेंटल ट्रेंड लाइन मैंने इसलिए दिया क्योंकि लास्ट सपोर्टिंग जोन ये वीकली में सपोर्टिंग जोन बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो हॉराइजेंटल लाइन मैंने इसलिए दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पहले फर्स्ट ट्राई किया था ब्रेकआउट करने के लिए वीकली, सेकेंड ट्राई राइट, थर्ड ट्राई ये सपोर्ट बन गया, फोर्थ ट्राई, फिफ्थ ट्राई राइट, फाइव टाइम ये ब्रेकआउट करने के लिए लिया था यहाँ से, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बना के रखा हुआ है। तो और साथ में यहाँ पे भी एक सपोर्ट और सपोर्ट लेवल बन गया और साथ में ये क्या 200 मूविंग एवरेज है, वीकली 200 मूविंग एवरेज है ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। तो इसलिए मुझे लगा ये एरिया से मार्केट फिर से बाउंस बैक हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे स्टोर स्टिक और सीसीआई भी देख सकते हैं ओवर सोल्ड जोन में है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो करेक्शन देना ही मांगता है ना, तो इसलिए मुझे लगा यहाँ से मार्केट बाउंस होगा राइट। तो ये हो गया वीकली में, तो हम देखेंगे डेली में। तो डेली देख सकते हैं लास्ट पॉइंट जहाँ दिया था वहाँ तक तो ऑलमोस्ट आ गया, तो वहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे डेली में आप देख सकते हैं डेली लास्ट फ्यू डेज देर वर रनिंग बिलो 20 लेवल इन स्टॉक स्टिक राइट, सीसीआई आल्सो यू कैन सी हियर सीसीआई आल्सो रनिंग बिलो -100 राइट। सो फ्रॉम दिस इस एरिया से मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो ऊपर जाना चाहिए अप टू जीरो लेवल, और जीरो लेवल क्रॉस कर दिया तो फिर से ऊपर चला जाएगा। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो रिट्रेसमेंट करना चाहिए, एटलीस्ट ये 22 मूविंग एवरेज लिया हुआ है मैंने, 20 मूविंग एवरेज, तो 20 मूविंग एवरेज के आसपास तो प्राइस आना चाहिए। तो प्राइस यहाँ पे आएंगे तो मुझे लगता है यहाँ पे होगा 3935, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर तो जाना चाहिए क्रूड ऑयल। ये हो गया डेली में, तो हम देखेंगे अभी चलो 30 मिनट में, तो 30 मिनट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्राइस कंसोलिडेशन था राइट, ये प्राइस कंसोलिडेशन था यहाँ पे, तो ये एरिया राइट, तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट नीचे आ गया, जो ये पहले लोअर था, लोअर पॉइंट आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन ये लोअर लो था, ठीक है प्रीवियस लोअर हाई था, तो लोअर हाई फिर से एक लोअर लो बनाया राइट। आप भी जो ये बनाया हाई, तो पहले जो लोअर लो था उसको ब्रेकआउट किया, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देके फिर से मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो एक यहाँ पे क्या आ गया, एक
सपोर्टिंग जोन आ गया, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके फिर से ऊपर जाने का चांसेस है क्रूड ऑयल में, तो पहले हमको कंफर्मेशन ले लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट मार्केट है, कुछ भी अब कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत कंफर्मेशन चाहिए। तो एटलीस्ट जब हम एंट्री करेंगे मार्केट में, वहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम 3 कंफर्मेशन हमें चाहिए, राइट? कितना 3 कंफर्मेशन हमें मिलना चाहिए तब हम एंट्री कर सकता है। और यहाँ पे एक रिस्क है, यहाँ पे क्या है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम बाय लेंगे तो यहाँ पे हम काउंटर ट्रेडिंग होगा, तो मतलब काउंटर ट्रेडिंग का मतलब होता है ट्रेंड का अगेंस्ट में ट्रेड करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है, तो अगर डाउन ट्रेंड में हम कभी भी बाय नहीं करता, राइट? डाउन ट्रेंड में हम कभी भी बाय नहीं करता, डाउन ट्रेंड में हम ऑलवेज सेल में रहता है। लेकिन लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक हमें मुझे हमें मिला एक सपोर्ट सपोर्ट लाइन, तो मार्केट कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो जब सपोर्टिंग लेवल में आता है तब हम सेल करना छोड़ देना चाहिए, यहाँ से बाय होता है, तो ये होता है काउंटर ट्रेडिंग। तो मतलब आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड है लेकिन अभी हम बाय करने के लिए लिया हुआ है, तो यह होता है हम ट्रेंड का अगेंस्ट में जाने का कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो क्योंकि ये सपोर्टिंग लेवल मिला इसलिए हमें बाय करने के लिए लिया, लेकिन अगर हम सपोर्टिंग लेवल का ऊपर रहता, जैसे ऊपर रहता है, यहाँ पे हम कभी बाय नहीं करता क्योंकि सपोर्ट नीचे है, रेजिस्टेंस ऊपर है, तो इसलिए हम सेल करेंगे, तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे हम सेल में था। तो अभी क्या हो गया, अभी देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या मिल गया, ये एक सपोर्टिंग लेवल मिल गया। कहाँ पे वो सपोर्टिंग लेवल कहाँ बनाया था हमने, वीकली देख के एक सपोर्टिंग लेवल मिला था, वीकली में ये 200 मूविंग एवरेज था प्लस हायर पॉइंट था कहीं बार ऐसा, राइट? तो इसलिए हमें ड्रॉ किया और यहाँ पे एक सपोर्ट मिला, तो मुझे लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है, तो इसलिए हम यहाँ से बाय करना शुरू करेंगे। तो अगर हम 15 मिनट में देखें, आप देख सकते हैं 15 मिनट में 200 मूविंग एवरेज से फिर से मार्केट आने का कोशिश कर रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये एरिया से आप देख सकता है 200 मूविंग एवरेज से बाउंस हो रहा है मार्केट, नेक्स्ट 150 से हुआ, नेक्स्ट 200 और 150 साथ में ही था, ये और 200 और 150 साथ में ही था, और यहाँ पे भी सेम 200 मूविंग एवरेज से भी मार्केट फिर से एक बाउंस ले सकता है, गॉट इट? तो यहाँ पे हमें बाय मिला हुआ है लेकिन वन कंफर्मेशन मिला, इसलिए हम बाय नहीं करेंगे यहाँ पे, राइट? बाय लेना है हम तो बाय में ही एंट्री करेंगे, तो कहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे कंफर्मेशन हमें चाहिए। और सीसीआई भी देख सकता है ओवर बोथ जोन में, स्टॉकस्टिक भी ओवर बोथ जोन में, राइट? तो यहाँ से फिर से ये मार्केट नीचे आ सकता है सीसीआईबी, तो हमको चाहिए एटलीस्ट 3 कंफर्मेशन टू एंटर इन दिस मार्केट, राइट? तो इसलिए हमको 3 कंफर्मेशन कहाँ पे मिलेगा, ओके? 3 कंफर्मेशन के लिए आप देख सकते हैं अभी मार्केट नीचे आ रहा है, राइट? तो ये सपोर्टिंग लेवल है, तो हम बाय करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आपको एक बात देख सकते हैं, थोड़ा मैं इसको बड़ा करके देता हूँ, ठीक है? अब देख सकते हैं यहाँ पे हम एंट्री करेंगे कहाँ, जब ये 5 मूविंग एवरेज, ये जो थोड़ा ग्रीन कलर का ये कलर ये है, ये 5 मूविंग एवरेज और ये 20 मूविंग एवरेज, राइट? जब 5 मूविंग एवरेज में ने 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो वहाँ पे हम बाय करेंगे। अभी ऑलरेडी यहाँ पे किया, राइट? तो यहाँ से हमें एक बाय मिला था, तो कहाँ पे मिला था, अराउंड आपको 1.3523 में मिला था, अभी 3.6 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट हमें मिला था ऑलरेडी, वो तो गया, तो अभी फिर से ये ओवर बोथ जोन में है, तो मार्केट नीचे आने का चांसेस है। तो अगर आप यहाँ पे एंटी कर देंगे, एसएल नीचे लगाएंगे, तो ये एसएल हिट करके फिर से ऊपर चला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर को ये प्रॉब्लम होता है, वो देखते हैं मार्केट ये हायर हाई बना रहा है, राइट? हायर हाई बना रहा है, चलो हायर लो बना रहा है, या हायर हाई, चलो एंटी करे, तो क्या होता है ये गलत जगह एंटी कर लेता है। अगर आप
गलत जगह एंट्री करेंगे तो एसएल जो आप होता है मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट करके आप एसएल डालेंगे, आप हिट करके फिर से ऊपर जाता है, तो प्रॉब्लम यही होता है। तो इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा, कहाँ ये स्टोर सीसीआई नीचे आने का चांस आने दीजिए उसको, ठीक है। तो उसके बाद जब जीरो लेवल क्रॉस करेगा, जैसे यहाँ पे जीरो लेवल क्रॉस किया था, यहाँ पे क्रॉस किया था 5 ने 20 को और स्टोरस्टिक ने पहले ही कन्फर्म कर दिया तो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हमें कितना कन्फर्मेशन मिला था, चलो हम मैं बता देता हूँ, एक कन्फर्मेशन, दो कन्फर्मेशन क्रॉसओवर, राइट, तीन कन्फर्मेशन, और हम देखेंगे अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डाल के देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हमें कम से कम 4 कन्फर्मेशन मिला था बाय के लिए, तो यहाँ पे, तो इसलिए आप करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसको भी आने दीजिए, 20 मूविंग एवरेज भी ऐसे आ जाएगा, बाद में 5 ने क्रॉस करेगा यहाँ पे, तो वहाँ पे एक कन्फर्मेशन रहेगा बाय, सेकेंड सी सी आई कन्फर्मेशन आएगा 2, स्टोर स्टिक भी नीचे चला जाएगा यहाँ से 3 कन्फर्मेशन, और साथ में अगर वेट करेंगे तो 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस कर देगा तो यहाँ पे 4 कन्फर्मेशन, तो यहाँ से आप बाय जा सकते हैं, ठीक है, ओके। So I hope you enjoyed this video. If you like this video, please like and subscribe. Thanks for watching.